जय भोले बाबा जी। भैया जी, भैया एक बात पूछनी थी आपसे। जी जैसे मेरा परमिट है 25 जुलाई का है। हेलो, YouTube चैनल पे हमारी वीडियो देखते हैं? जी भैया मैंने देखे हैं, लेकिन बस एक चीज उसमें मिली नहीं है मुझे। मैंने आपके सारे वीडियो पिछले साल भी देखे थे, मैं पिछले साल भी यात्रा पे गया था, इस साल भी ये देखे। तो नहीं, 25 जुलाई का परमिट है तो हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, ये सवाल तो नहीं आपका? ये नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना परमिट जो है, मेरा 25 का है, मेरे मित्रों का है 26 का, आगे पीछे का ही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि परमिट कैंसिल नहीं हो सकता भैया, क्योंकि हम नया परमिट बना रहे हैं तो वो 26 तारीख का बन नहीं रहा है। चलो एक काम करते हैं, ये कैंसिल वाली वीडियो बना देते हैं ना, कि परमिट कैंसिल होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ तो सुनिए आप, कैंसिल वाला अभी तक कोई भी शाइन बोर्ड ने ऐसा नहीं दिया है कि हाँ जिससे परमिट कैंसिल हो सके, क्योंकि ये हाँ होना चाहिए। मेरी बात सुनते रहिए आप, ठीक बिल्कुल बिल्कुल है? क्योंकि ये होना चाहिए। रीजन ये है कि अगर एक रूट से 10,000 यात्री जाएंगे, उसमें से 2,000 यात्रियों का मन है कि उन्होंने प्लान कैंसिल करना है, या आगे शिफ्ट करना है, या पीछे शिफ्ट करना है, जी उसका कोई ऑप्शन नहीं दिया है। क्योंकि जी इसमें क्या है कि चलो ठीक है, हमारे 150 रुपये जा रहे हैं, आप 150 रुपये में वापिस मत करो, पर हमें अगली टिकट तो दे दो, हमारा दिल हाँ हो जाए। क्योंकि प्लान तो ट्रेन का ऑप्शन होता है ना, ट्रेन का टिकट भी कैंसिल करने का, आगे पीछे करने का। लेकिन बिल्कुल हमने भी शाइन बोर्ड को मेल डाला हुआ है कि पहला तो पॉइंट ये है कि कोई भी यात्री अपना परमिट कैंसिल कैंसिल करना चाहे तो आप कैंसिलेशन चार्जेस काट लो, जो भी आपके बनते हो 50-100 रुपये, ठीक है, और उसमें परमिट कैंसिल कर दो ताकि दोबारा अप्लाई कर पाए। ठीक है, पहला पॉइंट। लेकिन शाइन बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं जुगाड़ वाली बात पे। जुगाड़ ये है कि जिसने आधार नंबर डाला है पहले, अगर हाँ दोबारा आधार नंबर डाल के करेगा तो परमिट नहीं बनेगा। लेकिन हाँ यही जिसने, प्रॉब्लम हो रही है भैया। सुन तो लो बाबा मेरे, ठीक। मैं कुछ दिनों में पागल हो जाऊंगा, ठीक है, यही हाल रहा। तो मैं कह तो रहा हूँ, सुन तो लो, मैं पूरा दिन यही बड़बड़ा रहता हूँ, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया मुझे, पता है आपको, पूरा दिन यही बड़बड़ा, मेरे घर वालों को पूरी याद हो गया कि क्या क्या बोलना है, पूरा दिन यही अच्छा ठीक है बड़बड़ा। भैया, आप बताइए सुनो बताइए, सुनो ठीक है सुनना ठीक। मेरी बात, अब लय बनती है तोड़ दी तुमने लय, मैं भूल गया सब कुछ ना, आंखें बंद करके बताना होता है मुझे क्या कहाँ चल रहा है, कहाँ बात थी हमारी। बात थी परमिट को लेकर, ये बात थी कि मतलब हाँ कैंसिल नहीं हो सुनो सुनो पाता है। सुनो सुनो सुनो, कैंसिल नहीं, आगे पहुंच गए थे। तो अब सुनो जुगाड़ वाली बात, जुगाड़ वाली बात यह है कि जिस भी यात्री ने अपना आधार नंबर डाल के माना है, शाइन बोर्ड ने कुछ अपने सिस्टम में ऐसा कर रखा है कि आधार नंबर से वो उठा लेते हैं कि इसने एक बार आधार नंबर डाल दिया, इसका परमिट एक बार ही बनेगा। तो अगली बार आधार नंबर डालोगे तो वो दिखाएगा कि ऑलरेडी आपका बना हुआ है। तो आप जब भी, अब नेक्स्ट टाइम करो, ये परमिट बन गया जो भी हुआ तो ये तो बात अलग है, पर इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा एजेंसी नहीं है तो परमिट और सीटें खराब मत करो, क्योंकि वो किसी एक यात्री की सीट खराब होगी। हो सकता है आपको उस टाइम 3 तारीख का, 2 तारीख का, या 1 तारीख का परमिट आसानी से मिल गया हो, लेकिन हो सकता है कोई आज भी बेचारा धूप में घूम रहा हो 3 तारीख का परमिट लेने के लिए। तो मेरी आप सभी भक्तों से विनती है कि जिनका जो परमिट बन गया, कोशिश करें उसी में यात्रा करें, बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो। अगर इमरजेंसी है तो नया परमिट बनाना है, तो अगली बार फिर आधार नंबर ना डालें तो परमिट बन जाएगा आसानी से। अच्छा, अगर आधार कार्ड नहीं डालेंगे तो परमिट बन जाएगा दोबारा से। आप हमारी सारी वीडियो देखते हैं, इस आधार नंबर के ऊपर कम से कम भी ज्यादा नहीं 30 से 35 वीडियो बनाई हुई है, और इस टाइम बनाई थी जब परमिट बनने स्टार्ट हुए थे ना, तो भक्तों को बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो हमने सबको बोला था आधार नंबर मत डालो। हाँ, अभी 2 4 दिन पहले आधार का तो देखा था, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि परमिट अगर कैंसिल हो जाए और किसी और को भी मिल जाए। ये चीज भैया हम भी समझते, परमिट बड़ी मुश्किल से मिलता बहुत से लोगों को। हम लोग तो चलो ऑनलाइन बना लेते, बहुत से लोग जो बैंक से बनवाते बड़े परेशान होते हैं। बिल्कुल, आप इतने समझदार हैं, जब भी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन समझदार तो मैं भी हूँ, लेकिन हमारे पास जी कोई ऑप्शन नहीं है कि हम परमिट को कैंसिल करके किसी और को दे पाएं। अब ये शाइन बोर्ड को भी सिस्टम बनाना चाहिए, रेलवे टिकट की तरह होना चाहिए, जब मन करो हाँ, बुक अगर करो। कैंसिल हो जाए, भला रिफंड ना लेकिन आए, लेकिन कैंसिल हो जाए। अब प्रॉब्लम बस इतनी सी है भैया कि 25 का मेरा अकेले का हुआ है, हेल्थ सर्टिफिकेट लेट हो गया, और हमारे जो साथ के मित्र हैं उनका 26 तारीख बिल्कुल का साथ बिल्कुल, में। ये परेशानी आती है। कैंसिलेशन चार्जेस अपना 50-60 रुपये जो भी उनको चार्जेस काट लें, है ना, हाँ बाकी परमिट देना चाहिए उनको, है ना, मेरा मानना तो हाँ ये। हाँ वो यही है, और आगे मतलब और लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो उसमें। मेरे ख्याल अब से जैसे मान ना के चलो, जैसे 25 तारीख का मेरा है, मैं इसको कैंसिल करना चाह रहा हूँ, मैं यात्रा 26 को ही करूंगा मैं मित्रों के साथ। अब ये किसी और को तो मिल जाता कम से कम। देखिए, भोले बाबा जी के आशीर्वाद से सारी बातें शाइन बोर्ड तक पहुंच जाती हैं, तो ये भी एक सिस्टम है, उन तक पहुंच जाएगा। अगली बार से शायद ऐसा कोई रूल आ जाएगा कि हम जब चाहे अपना परमिट कैंसिल कर सकते हैं, जब चाहे अपना बनवा सकते हैं, सीट होनी चाहिए मेन। ठीक मैंने तो एक एडवाइस और भी किया था कि हाँ जैसे मतलब भक्त हैं, जैसे आप हो गए, मैं हो गए, अब बला बला बैंक हैं, 442 बैंक हैं जैसे एग्जाम्पल, किसमें हाँ परमिट पड़े हैं किसमें नहीं पड़े हैं, ये भी ऑनलाइन हो जाना चाहिए, ताकि बंदा फ्री जाए ना बैंक में,
अब मैं 20 दिन के धक्के खा के छठी बैंक में जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे आस वाली बैंक बैंक में फॉर्म पड़े हों, तो ऑनलाइन बंदा चेक कर ले किस फॉर्म में, क्योंकि जैसे ही बैंक में एंटर करेगा तो बंदा क्लिक कर देगा तो फॉर्म कम हो जाएगा वहां पे ऑनलाइन, क्या दिक्कत है बनाने में, रेलवे टिकट तो ऐसे बुक होती है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, चीज तो होनी चाहिए। सिस्टम बहुत सारे हैं, सिस्टम के तो हम पूरे मास्टर आदमी हैं, पर भोले बाबा जी के आशीर्वाद से बस शाइन बोर्ड को राय देते रहते हैं, अगर राय उनकी समझ में आएगी तो